तो देखिए दोस्तों, इस मटन कोरमे की आप ग्रेवी को देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, कितना बढ़िया तरीके से सब कुछ यहाँ पे पका हुआ है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एल एसमान किचन में। तो आज लेके आए हैं आपके लिए इजी मटन कोरमे की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने हाफ के जी यहाँ पे मटन लिया है 500 ग्राम के करीब। 3 यहाँ पे मैंने प्याज लिए मीडियम साइज़ के, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 से 12 पीस यहाँ पे काजू के लिए। तो अभी क्या करना है कि इन सब का हमने पेस्ट बनाना है। तो काजू का पेस्ट बनाने के लिए काजू में हमने गर्म पानी के अंदर भिगो के रखना है थोड़ा सा देर, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो हम पेस्ट बना सकें। तो अभी क्या करना है कि प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्सी के अंदर। तो देखिए पहले मैं प्याज को पहले मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगा, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक आपने पेस्ट बनाना है इनका। तो देखिए मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया है। उसके बाद टमाटर का भी बना लिया है पेस्ट इसी तरीके से, और उसके बाद जो काजू को भी पीसना है, काजू को आपने उसी पानी के साथ ही पीस लेना है। तो देखिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे पीस लिए हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे कुकर के अंदर पूरी की पूरी कुकिंग करने वाला हूँ। तो कुकर में मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे देसी घी डाला है। कोरमे में देसी घी आपको पता है कि घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें अपनी जीरा डालना, और जीरे के साथ ही जो हमने ग्राइंड किए हुए जो हमारे प्याज थे वो सारे के सारे यहाँ पर डाल देने हैं। और यहाँ पर प्याज को भुनना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए बढ़िया से प्याज को भूनना है, 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे यहाँ पे आप क्या प्याज को भूनते हुए। तो देखिए प्याज जब तक भून रहे हैं तो हम अपने सूखे मसाले देख लेते हैं। तो जो हमने प्योरी बनाई थी ना काजू की, उसी के अंदर सारे के सारे मसाले जो डाल देते हैं, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे लाल मिर्च मैंने डाली है, और एंड में थोड़ा सा मीट मसाला डाला है करीबन 1.5 चम्मच के करीब। तो इनको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मसाला मिक्स करने के बाद मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दूंगा, ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो पतला हो जाए। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुका है, इसको एक साइड में अभी रख देना है। तो देखिए प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो इस टाइम पर क्या करना है कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी ऐड कर देना है। तो देखिए पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है बढ़िया तरीके से। तो पेस्ट को 1 से 2 मिनट यहाँ पर भून लेना है, और उसके बाद हम इसमें क्या है कि डायरेक्टली अपना मटन डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसको इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो देखिए अभी मटन ऐड कर देंगे सारा का सारा। तो देखिए पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे मटन ऐड कर दिया है। मटन के पीस की बात करें तो मैंने यहाँ पे चाप के कुछ पीस लिए हैं और नली के कुछ पीस लिए हैं, कुछ बोनलेस भी है इसमें। तो कलेजी वगैरह का यूज आप यहाँ पर मत ही करना। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से स्टर करते रहना है, और इसको ढक के छोड़ देना है कुछ देर के लिए, और गैस को फुल हाई फ्लेम पे रखना है। तो देखिए मटन हमारा भुनना शुरू हो गया है। तो देखिए हल्का हल्का हड्डियां जो मटन छोड़ने लग गए हैं यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुका है। तो 10 से 15 मिनट मटन को इसी तरीके से भूनने के बाद आपने क्या करना है कि जो टोमेटो प्योरी थी, हमने जो फ्रेश टोमेटो को प्योरी बनाई थी, उनको ऐड कर देना है उस टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक इंग्रेडिएंट नमक भी डाला है, तो मैं आपको दिखाना भूल गया था, लेकिन मैंने डाला है इसी के साथ। आपने जैसे ही टमाटो प्यूरी डालनी है, आपने नमक भी डाल देना है। और उसके बाद जो हमने सारे के सारे जो मसाले हैं जो काजू के पेस्ट में बना के हमने रखा था, वो भी सारे के सारे इसी टाइम पर ऐड कर देने हैं इसमें। तो अच्छे से मिक्स करना है और इसको ढक के पकाना है थोड़ी सी देर। तो बिल्कुल स्टर करते हुए अच्छे से इसको पकाना है, थोड़ा सा इसको ढक देना है, हल्का सा कवर करना है कुछ देर के लिए। तो जैसे ही 5 से 7 मिनट मसाले हमारे पक जाए, तो क्या करना है कि मैं यहाँ पे 1 गिलास यहाँ पे पानी का यूज कर रहा हूँ, जो कि ग्रेवी के लिए है। तो अभी 1 गिलास पानी डालने के बाद क्या, यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा देना है, और
इसमें हमें 7 से 8 सीटियाँ आने तक इसको पकाना है। तो 7 से 8 सीटियाँ लगने के बाद कुकर को खोलना नहीं है, इसको अपने आप डीप्रेशराइज यहाँ पे होने देना है क्योंकि तो गैस अपने आप निकल जाएगी। तो 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे डीप्रेशराइज होने में, तो इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। तो देखिए 5 से 7 मिनट बाद आप देखिए ग्रेवी की रंगत, ये कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ग्रेवी है जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर पक चुकी है और सच में ये बहुत ही टेस्टी बना है खाने में। इसको आप बना के ज़रूर देखिएगा घर पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसी ही लाजवाब रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।